स्वागत है आपका फटाफट ज्ञान में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिन्नों का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हम सीखेंगे कि आप समान हर वाली भिन्नों को कैसे घटा सकते हैं, यानी कि आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, और ये आपका पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो आपके आने वाले एग्जाम्स अमिता वर्ग 3, CTET एंड अदर एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम आने वाला है या फिर जो एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, उनके लिए आपके लिए हमारा जो आज का टॉपिक है, यानी कि आज हम ओनली ये देखेंगे कि आप अगर जो भिन्न दी है हमें, मतलब सपोज ये भिन्न होता है, ये इस टाइप का पैटर्न बनता है भिन्न का, मतलब ए की जगह कोई भी नंबर ले सकते हो, बी की जगह कोई भी नंबर, ठीक है, तो ये जो क्या होगा, ये आपका हो गया भिन्न। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब ये दर्शाता है कि ये जो 3 है, मतलब 5 का 3वां हिस्सा, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि समान हर वाली संख्याओं का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं 5/6, इसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है 4/6। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों जो नंबर आपको दिए हुए हैं, ये क्या है, इक्वली है, मतलब जो आपका ये हर है वो क्या है, आपका इक्वल है। ठीक है, ये हर है और ये ऊपर वाला जो होता है वो अंश, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। ठीक है, तो इसका आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल जो आपकी ट्रिक होगी वो यही होगी, हर में जब एक इक्वली नंबर है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि समान हर वाली भिन्नों को घटाना, तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा स्टेप होगा वो इस तरह से होगा कि जो इक्वली नंबर है उनको वंस टाइम हमें लिख देना है। ओके, देन अब आप ये देखिए इसमें क्या होता है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, हमें जब हम इस तरह टाइप के जब सवाल करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि जो आपका यहाँ पर नीचे जो नंबर है वहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करें, हमें 6 मिल जाए, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 6 6, यहाँ होगा आपका इंटू, ठीक है, और जो आपका हमने निकाला है 1 6 6, इसका हमें ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है। ओके, माइनस, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 1 6, ठीक है, 6 6 1 6, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये, ठीक है, मतलब किस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 × 6, तो 6 1 6, और जो हमने किया है उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें ऊपर वाले नंबर से, यानी कि 4। ओके, चलिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो आ जाएगा वो आएगा 1 5 5 − 4 1 4, अपॉन में आपका क्या है, 6 है, तो 5 − 4 = 1 / 6, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए और देख लेते हैं हम इसी तरह के, ठीक है, अगला हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने लिया 12/8 − 6/8। ओके, आप देख सकते हैं नीचे जो आपका हर है वो क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल ही है, ये वाला और आपका ये वाला इक्वल है। सो जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारा स्टेप होगा कि हमें जो नीचे वाला हर हमें दिया हुआ है उसे आपको वंस टाइम में लिख देना है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमें 8 चाहिए है और यहाँ पर अपॉन में 8 है, तो 8 1 जा, ठीक है, 8 1 जा, यहाँ पे जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 8 मिलेगा, इनटू हमें क्या करना होगा, ये जो आप ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया उसका इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 12 जा 12। ओके, चलिए, माइनस, यहाँ भी 8 है, तो 8 1 जा 8 इनटू ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्या होगा, 12 1 जा 12 − 6 1 जा 6 अपॉन में आपका 8 हो गया,
देन आपका जो आंसर आपको मिला वो क्या मिला, 6/8, ये हो गया हमारा आंसर। ओके ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है चलिए मिलता जुलता एक और इसी से मिलता जुलता एक आध सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, जो इसी मेथड पर है। ठीक है चलिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई बड़ा सा जैसे आता है आपको, 55/24, इसका आपको सबट्रैक्ट करना है 45/24। ओके सो आपको बस यही देखना है, आपके ये जो नीचे वाले यानी कि जो हर है आपका, वो दोनों एक ही नंबर है, एक जैसी नंबर है, तो आपका स्टेप क्या होगा, आपको 24 को 1 times लिख लेना है। ओके ये मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए यहाँ 24 है, हमें 24 लाना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हर वाला नंबर होता है उसको देखते हैं कि वो क्या है और उसमें हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो उस कितने टाइम्स हम टेबल पढ़ें कि 24 आ जाए, तो यहाँ पे 24 पहले से है, अब हमें 24 चाहिए होगा तो हमें 1 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 1 से गुणा करेंगे, तो 24 एकम 24, फिर जो मल्टीप्लाई लगेंगे गुणत ऊपर वाले नंबर में हमें करना होगा गुणा, माइनस का हमारा साइन चल ही रहा है। अब अगला 24 एकम 24 into और उसका करेंगे ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ठीक है तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा 55 बन जाए यानी कि 55 एकम 55 और 45 बन जाए 45, नीचे आपका हो गया 24। ओके नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो होगा आपका 10/24, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि समान हर वाले मतलब नीचे जो आपका है फ्रैक्शन में जो नंबर अगर इक्वल होगा आप उसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है संविदा एग्ज़ाम एंड अदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए यूज़फुल है। ओके सो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।